इक्कीस आचार्य जी, नवरात्र का दिन चल रहा है, 9 दिनों तक नवरात्र रहने वाला है। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। इन दिनों में कोई भी बेटी पैदा लेती है तो उनका नाम क्या रहना चाहिए ताकि शुभ रहे? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। नवरात्रि के समय, नवरात्र का पूजा जब प्रारंभ हो जाता है और दसवीं तक यदि घर में बच्ची पैदा ले ले, बेटी पैदा ले ले, तो आप समझिए कि साक्षात दुर्गा जी का आगमन आपके घर में हुआ है। जैसे प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो उसी शैलपुत्री पर आधारित आप नाम रख सकते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इस प्रकार से तृतीयम चंद्र घंटे थी, कुष्मांडेति चतुर्थकम माँ कुष्मांडा देवी, चौथा पूजा, आज दूसरा पूजा है, तो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी नाम पर आधारित और बहुत सारे उसके जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, पर्याय नाम हैं, उस नाम पर आधारित यदि आप रखते हैं तो आप समझिए जब 9 वर्ष तक वह आपके घर में दुर्गा के समान विराजमान होगी और आप उसका जीवन पर्यंत माँ दुर्गा का नाम लेंगे। अब इस पर आप नहीं जानते हैं तो प्रतिपदा से आरंभ करके दसवीं तिथि तक आप दुर्गा जी का जो 108 नाम है, उस दुर्गा जी का 108 नाम जो है अष्टोत्तर सतनाम पर आधारित आप अपनी बच्ची का नाम जो आपको पसंद में आए, जो अच्छा लगे, वह आप नाम रख सकते हैं। इसलिए इस नाम से आपको सदैव कल्याण होगा।